हम लोग देख रहे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में देख रहे हैं। टॉपिक नंबर है 4.2.4। ये फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस है। ये फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, पहले फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में देखने के पहले जो है इसको फ्लैट फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के जो मेंबर हैं इसको फ्लैट वर्म भी हम लोग बोलते हैं। फ्लैट वर्म जो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के मेंबर है उसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। फिगर 4.9 में इसको दिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। बॉडी कैसा होता है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसीलिए इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। 4.9 फिगर में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 4.9 ये फिगर है, 4.9 यहाँ पे है। ये 4.9 में ये फिगर है, 4.9 यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेलमिंथिस। ये एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेलमिंथिस है। पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है टैप वर्म और दूसरा एग्जांपल क्या है? लीवर फ्लूक। तो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस का पहला एग्जांपल है टैप वर्म, दूसरा एग्जांपल है लीवर फ्लूक। यहाँ पे देखते हैं ए नंबर जो है, ये ए नंबर ये दिखाया हुआ है टेप वर्म है। ये ए नंबर जो है ये टेप वर्म दिखाया हुआ है, टेप वर्म। इसका डायग्राम को टेप वर्म है हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है लीवर फ्लूक, ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है। लीवर फ्लूक इस डायग्राम को भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, लीवर फ्लूक के डायग्राम को। तो सबसे पहला काम इसमें करेंगे कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस का एग्जाम्पल क्या है। तो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस का एग्जाम्पल है ये टेप वर्म है ए, और बी है लीवर फ्लूक। ये दो एग्जाम्पल याद करेंगे हम लोग और इस डायग्राम को हम लोग बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। तो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में दो चार लाइन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसमें क्या होता है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लैट वर्म। कह रहा है कि दे आर मोस्टली इंडो पैरासिटिक। ये क्या होते हैं? इंडो पैरासिटिक, शरीर के भीतर रहते हैं, इंडो पैरासिटिक। फाउंड इन एनिमल, ये एनिमल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में भी ये पाया जाता है। आगे बता रहा है कि फ्लैट वर्म जो है ये बायलैटरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। इसको एक ही भाग से दो बराबर इक्वल भागों में बांटा जा सकता है। फ्लैट वर्म कैसे होते हैं, इसकी सिमेट्री क्या होती है? तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी तीन लेयर से बनी होती है, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इसमें सीलोम नहीं होता है, इसलिए इसको ए सीलोम एनिमल्स बोलते हैं। इसको ए सीलोम एनिमल्स बोलते हैं। इसमें सीलोम नहीं होता है, इसलिए इसको ए सीलोम एनिमल बोलते हैं। विथ इसमें क्या है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात का ध्यान देना है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एक स्टेप ये ऊपर है, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और चूँकि ये इंडो पैरासाइट होते हैं इंडो पैरासाइट होते हैं, इसलिए इसमें जो है अटैच करने के लिए एनिमल के बॉडी में भीतर अटैच करने के लिए एक हुक सिस्टम होता है। हुक के थ्रू वो पकड़ लेता है, हुक होता है इसमें, हुक्स एंड सकर्स होता है, ये भीतर जाके एनिमल में ये पकड़ लेता है। किसके थ्रू? हुक्स एंड सकर के थ्रू। ये पैरासाइट ही होते हैं, तो हुक्स एंड सकर के थ्रू पकड़ के अपना न्यूट्रिशन लेता है, एक जगह अपना बनाए रहता है। कह रहा है कि हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म, प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। जो भी पैरासिटिक फॉर्म है उसमें हुक और सकर ये होता है पैरासिटिक फॉर्म में। करे कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ये क्या एब्जॉर्ब करता है? न्यूट्रिएंट करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से ऑब्जर्व ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है? तो जिस एनिमल में रहता है ये होस्ट, उससे ये न्यूट्रिएंट अपना एब्जॉर्ब करता है।
डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस के थ्रू जो है ये करता है। स्पेशलाइज सेल होते हैं इसमें, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशलाइज सेल होते हैं, स्पेशलाइज सेल को फ्लेम सेल बोलते हैं, फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल्स जो हैं क्या करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। फ्लेम सेल क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, पानी की मात्रा को वो नियंत्रित रखते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लेम सेल कहाँ होता है, फ्लेम सेल कहाँ होता है, तब बोलिएगा फ्लेम सेल प्लेटी हेलमेंथिस में होता है। आगे बता रहा है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें अलग से सेक्स जो है सेपरेट मेल फीमेल नहीं होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट जो है ये भी इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, बहुत सारे लार्वल स्टेज होते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहेंगे हम लोग। कह रहा है कि सम मेंबर, इसका एग्जांपल क्या बता रहा है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब बॉडी दो भागों में बट जा रही है तो दोनों भाग अपना अलग अलग डेवलप कर लेगा। एग्जांपल क्या बता रहा है, एग्जांपल में इसका बता रहा है टेप वर्म, जिसका ये डायग्राम देखे थे, टेप वर्म का ये डायग्राम है और लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक का ये डायग्राम है, दोनों का डायग्राम दिया हुआ है। तो टेप वर्म को क्या बोलते हैं, टेप वर्म को टीनिया बोलते हैं, टेप वर्म को टीनिया बोलते हैं। और लीवर फ्लूक को क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक को फैसियोला बोलते हैं, फैसियोला। तो ये दो डायग्राम हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो डायग्राम है, ये एक डायग्राम किसका है, टेप वर्म का है, एक डायग्राम ये टेप वर्म का है, और ये जो है आपका डायग्राम जो है ये लीवर फ्लूक का है। तो दोनों डायग्राम हम लोग बार बार कॉपी में बनाएंगे, प्लेटी हेलमेंथिस का, एक टेप वर्म और लीवर फ्लूक, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्लेटी हेलमेंथिस जो है इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं, इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं, और मोस्टली इंडो पैरासिटिक होता है। ह्यूमन बॉडी में भी ये रहता है, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हुक एंड सकर इसमें प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में ये होता है। ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट डायरेक्ट थ्रू बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज सेल इसमें होते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मिनी लार्वल स्टेज इसमें होते हैं। और इसके सब मेंबर क्या क्या हैं, मेंबर जो हैं प्लेनेरिया हैं। प्लेनेरिया में क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसका एग्जांपल में टेप वर्म है जिसको टीनिया भी बोलते हैं, और लीवर फ्लूक है जिसको के फैसियोला बोलते हैं। ये डायग्राम को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, बनाएंगे सुबह शाम और प्रैक्टिस करेंगे।